मैं पूरे कालाकोट की बात करूंगा। ये जीत किसकी है? ये जीत भारतीय जनता पार्टी की है। और मेरे भाइयों, मैं लास्ट में एक ही बात आपको कहूंगा, खुदा के लिए किसी की बात पर मत जाओ। मोदी साहब दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं आपका फॉरेस्ट राइट एक्ट भी लागू हो रहा है, आपकी एसटी सीटें भी रिजर्व हुई हैं, आपके अपने एसटी के सरपंच भी बने हैं, पहाड़ी भाइयों को 4% रिजर्वेशन दिया है। तत्म कह जी हम ना पता नहीं के करेगा ये जरा दूजा पॉलिटिकल पार्टियां लगे, मेहरबानी करके अपना वोट ना जाया ना करियो। हूं तमना या कल कह छोड़ू, कल तम कहना मारो यो नहीं हो, यो नहीं हो, भाई पीछे तो मजबूत होगा लता ही अगर गल चलेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, यू तमना दावा नाल कहूं कि बीजेपी जीत गई है, विपिन साहब जीत गए। तो यही गल याद रखियो, जिस तरह 2014 में आज जिस तरह हो उन तमने पीछे नहीं हटो। बहुत बहुत शुक्रिया। दो दिन बचे हैं कैंपेन इलेक्शन को, आप इस वक्त लोगों से क्या कहना चाहेंगे और कितना लोगों में जोश है आपकी रैली को लेकर और इलेक्शन को लेकर? सबसे पहले मैं आप सब भाइयों का धन्यवाद करता हूं। बाकी हमें रैली की जरूरत नहीं थी यहां पे, हमारा ये प्रोग्राम हम डांगरी में भी कर सकते थे। मेरा यहां पे हमारे यूनियन मिनिस्टर को अनुराग ठाकुर जी आ रहे हैं, उनको यहां पे लाना इसलिए था कि ये जो सामने बाहर आपको एरिया दिख रहा है, टाली, इशनी, सेवा, चापड़ा, जगीर, ये जो सामने इलाका है, इन इलाकों में मैंने जब आके यहाँ पे अपनी कंपेन स्टार्ट की तो यहाँ पे आज तक ट्रैक्टर नहीं पहुँचा है। यहाँ पे हमारे किसान भाई आज की डेट में बैल के से अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं और यहाँ पे जो मक्की है वो आज भी डंडों और हाथों से उसकी जो निकाली जा रही है। तो मेरा यहाँ पे लाने का ये था कि हम ये जो हमारी पिछड़ी हुई पंचायतें हैं, जो भी हमारे यहाँ पे पॉलिटिशियन आए उन्होंने यहाँ पे सिर्फ ठेकेदारी की और उन्होंने जनता का कोई ध्यान नहीं रखा। बाकी यहाँ पे हमारी भाजपा की 2 से 2.5 साल की गवर्नमेंट रही, उनके काम आपके सामने हैं। जिस रोड से आप चल के आए हैं, ये रोड 22-23 करोड़ रुपए की यहाँ पे फर्स्ट टाइम में यहाँ पे ये सेंक्शन हुई है और हमारे पास टाइम कम था। बाकी लोगों का बढ़ चढ़कर आपने जोश देख ही लिया है, ये सीट हमारी है और मैं अपनी सारी आवाम से ये वादा करता हूँ कि उनके जो दुख तकलीफ है मैं उनके साथ दिन और रात खड़ा हूँ। धन्यवाद। आप लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है हिंदू मुसलमान के नाम पर, आप पब्लिक से क्या अपील करना चाहेंगे लोगों के साथ? मैं सारे हिंदू मुस्लिम आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने ये TDC इलेक्शन है, जिस जो ये हमारा 3-tier सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ, आज तक सरपंची के बाद कभी BDC का इलेक्शन नहीं हुआ और हमारी भाजपा गवर्नमेंट ने ये हमारा पंचायती राज में BDC और DDC का इलेक्शन करवाया। हिंदू मुसलमान भाइयों को ये कहता हूँ कि वो हमारे बढ़ चढ़ के हमारा साथ दे रहे हैं, वो किसी की बातों में आने वाले नहीं है। और ये जो ठेकेदार बने हुए हैं हमारे लीडर 35 और 370 की बात कर रहे हैं, इनको एक ही तकलीफ है कि हम इस 35 और 370 को बहाल करवाएं, क्योंकि उनको तकलीफ है कि पावर जनता के हाथ में जाने वाली है और हम ये DDC और BDC इलेक्शन को बाइकॉट करवाएं, उनका और कोई मुद्दा नहीं है।